हेलो सो इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट द कॉन्सेप्ट डेट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज ठीक है सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हम देख चुके हैं किस तरह से करते हैं नॉलेज इंजीनियरिंग का भी देख चुके हैं बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज कौन कौन सी है वो देखते हैं इसमें सबसे पहला है प्रोसीजरल नॉलेज प्रोसीजरल का मतलब है आप प्रोसेस बता रहे हो सो बेसिकली इट डिस्क्राइब्स हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ठीक so, है, सो प्रोसीजरल है प्रोसीजर बता रहे हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज इंपेरेटिव नॉलेज इसको इंपेरेटिव नॉलेज भी बोलते हैं एंड सिंपली प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑन हाउ टू डू समथिंग किसी चीज को कैसे करना है सो so, बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं वी आर स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू डू समथिंग ठीक है एंड इट कैन बी डायरेक्टली अप्लाई टू अ टास्क कि कोई टास्क आपको दिया है ये करना है उसके ऊपर आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो ठीक है सो इट इंक्लूड्स अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है रूल्स होते हैं स्ट्रेटेजीज होती हैं प्रोसीजर्स होते हैं एंड सो ऑन सो देट इज प्रोसीजरल नॉलेज तो सेकेंड वन इज डिक्लेरेटिव नॉलेज डिक्लेरेटिव नॉलेज के इट डिस्क्राइब्स वॉट इज नोन अबाउट अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम के बारे में जो जो पता है आपको वो सब आप इसके अंदर डिस्क्राइब करते हो सो बेसिकली क्या होता है इट टेल्स द फैक्ट्स वॉट थिंग्स आर सो डिक्लेरेटिव वॉट एंड प्रोसीजरल हाउ इस तरह से आप याद रख सकते हो सो इट इट ऑल इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट फैक्ट्स ठीक है ऑब्जेक्ट्स सो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है उसका फैक्ट क्या है वो सब इसके अंदर स्टोर करते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव नॉलेज जैसे ये इम्पेरेटिव है इसको हम डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी बोलते हैं द थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज इज मेटा नॉलेज जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है मेटा जब वर्ड लगता है तो डेट इज डेटा अबाउट डेटा मेटा डेटा होता है तो मेटा नॉलेज क्या हो गया नॉलेज अबाउट अनदर नॉलेज ठीक है सो इट इज द नॉलेज अबाउट अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज सो यहां पे आप लिख सकते हो एक ये भी से नॉलेज अबाउट अदर टाइप ऑफ नॉलेज ठीक है सो दैट इज मेटा नॉलेज कब काम आती है इट इज यूज टू पिक इट इज यूज टू पिक अदर नॉलेज दैट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम सो जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई और आपके पास जो नॉलेज बेसा उसको उसी प्रॉब्लम टाइप को सॉल्व करने के लिए किसी दूसरी नॉलेज के बारे में पता है तो उसको पिक करने में हेल्प कर देगा देन वी हैव दिस ह्यूरिस्टिक नॉलेज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज ऑफ सम एक्सपर्ट्स इन अ फील्ड और सब्जेक्ट सो बेसिकली अब यहाँ पर बात आती है किसकी एक्सपर्टनेस की

सो ओवरऑल इट डिस्क्राइब्स एन एक्सपर्ट मेंटल मॉडल ऑफ अ प्रॉब्लम ठीक है सो बेसिकली क्या कहता जाता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट्स सो रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट्स सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज थी एंड दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टूअर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल थैंक यू